नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सनी प्रताप मैथ्स क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आपको पता होगा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको शायद पता चल चुका होगा, CGSI की नई वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है जिसका नोटिफिकेशन भी गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया है। और इस नोटिफिकेशन की सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगा और एक एक करके मैं सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करता हूं। लेकिन एक चीज़ और कहूंगा, जो पुराने बच्चे जो पिछला एग्जाम दिए थे उनका रिजल्ट जो जारी नहीं किया गया है, मैं गवर्नमेंट से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि उनका भी रिजल्ट जल्दी से जारी कर दिया जाए। साथ में अगर आपका रिजल्ट जो जारी वो तो गवर्नमेंट करेगी ही, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है तो वो होगा ही। बट फिर भी अभी एक नया वैकेंसी जो आया है SI का, इसके लिए भी जो बच्चे तैयारी अभी लगे हुए हैं, जो इस एग्जाम को देना चाहते हैं, तो बच्चे एकदम शिद्दत से लग जाइए, क्योंकि इस बार भी आपका उसी शिद्दत से आप दीजिएगा जितना पहले वाले पेपर को दिए थे। अगर आपने उस पेपर को नहीं दिया था, पहली बार आप देना जा रहे हैं, तो भी बच्चे मजबूती से इसके लिए प्रिपरेशन करिएगा। आज मैं इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन आपको करना है और मैं आपकी किस तरीके से इस चैनल के माध्यम से हेल्प कर सकूंगा। तो सबसे पहले बच्चे, इसका जो अनाउंसमेंट वो CGPSC की वेबसाइट में आया है, इसका नोटिफिकेशन आप जाके वहां से भी देख सकते हैं। और साथ में इसके फॉर्म के बारे में जानकारी दूं तो ये बच्चे, इसका स्टार्टिंग डेट जो है बच्चे 23/10/2024, मतलब 23 तारीख से आप फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं। और ये फॉर्म का डेट रहेगा बच्चे 21 नवंबर तक लास्ट डेट रहेगा, याद रखिएगा 21 नवंबर तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि बीच में ही, अभी जैसे 23 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिल करना, तो हफ्ते भर के अंदर ही आप फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, लेट मत कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि कई बार होता है कि फॉर्म लास्ट में फिल करने में दिक्कत होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं चीजों को कि और क्या क्या खास बातें हैं, कितनी पोस्ट आई है, ये आपको देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि कितने पद आए हैं। तो 341 पद आए हैं बच्चे, 341 पिछली बार से तो कम है, बट 341 पद भी काफी होते हैं स्टेट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना काफी पद है, 341 पद भी काफी कहलाता है, क्योंकि अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं तो पद ठीक है। अब बात करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा होना चाहिए, जितनी ज्यादा पद हो उतना अच्छा है, क्योंकि बच्चों को जॉब मिलेगा। अब बात करते हैं इनमें भी किस किस डिपार्टमेंट में, जैसे सूबेदार के पोस्ट कितने हैं आपको दिख रहा होगा यहां पे, टोटल कितना 19 है। सब इंस्पेक्टर जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग पोस्ट होता है उसका बच्चे कितना है, 278 है, 278, ठीक है? इस तरीके से अलग अलग पोस्ट हैं, प्लाटून कमांडर का बच्चे 14 पोस्ट हैं। ये पूरे पोस्ट की लिस्ट है और आप इसको एक बार अच्छे से देख सकते हैं, नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम के चैनल से भी हमारा मिल जाएगा, चाहेंगे तो वेबसाइट से जाके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है? अब देखिए बच्चे, ये तो हो गया टोटल पोस्ट कितने आए हैं। अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी, सबसे अच्छी बात यह है कि अभी जो पिछला एग्जाम हुआ था उसी के पैटर्न का ही ये वाला एग्जाम दिया है, उसी पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है, उसी तरीके से एग्जाम होगा। मतलब पहले आपका जो माप होता है वो होगा जिला मुख्य, जो भी आपका पुलिस मुख्यालय है, जो आप वहां आपका पहले मेजरमेंट वगैरह होगा, और मेजरमेंट के बाद जैसा पहले प्रीलिम्स हुआ था, फिर उसके बाद दूसरा पेपर लिखित परीक्षा मेंस हुआ था, दोनों परीक्षा को देने के बाद फिर आपको आगे फिजिकल के लिए बुलाया गया था। तो उसी पैटर्न पे सारी चीजें होंगी बच्चे। और यहां पे क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो इसमें लिखा हुआ है, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, बस मैं वही बताऊंगा आपके लिए। और इसमें एज लिमिट की बात करें तो सबको 5-5 साल का रिलैक्सेशन भी मिला है, तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले इसमें क्या दस्तावेज है, वो तो ग्रेजुएट होना ही चाहिए, ये तो सभी को पता है, कोई भी एग्जाम आप देंगे इस लेवल का। और इसमें सारा ये कोड वगैरह दिया है, किस जिले से क्या मुख्य परीक्षा का जिला जो है वो देख लीजिएगा, यहाँ पे कहाँ का मुख्य परीक्षा का है, और शारीरिक माप का जो परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ रहेगा बच्चे, तो सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायपुर, राजनांदगांव, और मुख्य परीक्षा का जिला जो है बच्चे वो ये दिया हुआ है। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से एक बार देख लीजिएगा कहाँ कहाँ का है, जहाँ के आप हों वहाँ के फॉर्म फिल कर वहाँ से करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब प्रारंभिक परीक्षा का भी बच्चे पूरा परीक्षा केंद्र दिया हुआ है, जैसे बिलासपुर वाले हैं तो बिलासपुर वाले बिलासपुर से फिल करिए, तो उनके लिए बेटर रहेगा, दूर कहां जाओगे आप, ठीक है ना? अब देखो, सबसे पहली बात, आगे हम चीजों को लेके चलते हैं, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले मेन मुद्दे पे आते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि चयन प्रक्रिया आपका जानना सबसे जरूरी होता है। तो शारीरिक माप का मान होगा सबसे पहले, आपको बताया था मेजरमेंट होगा सबसे पहले, तो मेजरमेंट के लिए आप तैयार रहिएगा, उसमें क्या क्या चाहिए वो सारी चीजें इसमें दिया हुआ है। लेकिन जो आपको प्रिपरेशन करना है एग्जाम का, तो सबसे पहले प्रीलिम्स पेपर होगा, पहला पेपर होगा, उसके बाद फिर क्या होगा बच्चे, दूसरा पेपर मेंस। मेंस का मतलब राइटिंग पेपर नहीं होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा, पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, पहला पेपर वन फिर पेपर टू दोनों, ठीक है? जो पेपर वन में क्वालिफाई करेगा मतलब पास होगा, उसको सेकंड पेपर में जाएगा। अब पहले पेपर का क्या क्या सिलेबस रहेगा वो भी हम आपको बता देते हैं। तो टोटल बच्चे यहां पे पहले पेपर में कितने सवाल होंगे सबसे पहले ये समझिएगा। तो पहले पेपर में टोटल 300 अंकों का पेपर होगा, 300 नंबर का पेपर होगा और 100 सवाल होंगे, याद रखिएगा 100 सवाल होंगे, 300 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का पेपर है। तो 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन बनाने हैं। तो जो बच्चा व्यापम वगैरह की प्रिपरेशन करता था तो उसकी आदत बनी हुई थी 3 घंटे का पेपर देने के लिए, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइमिंग आपको
मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन पिछली बार भी पेपर हुआ था, उसमें टाइमिंग का इशू काफी आया था बच्चों को, तो आपको बेहतर तरीके से तैयारी रखनी है। और इस तरीके की तैयारी रखनी है कि पहला प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कंप्लीट तैयारी आप करो। ऐसा मत करना कि आप प्री का कियो फिर बाद में चीजों, इतने अच्छे से पढ़ो, सब्जेक्ट वाइज पढ़ो, जो बेटर करो सब्जेक्ट वाइज अच्छी तैयारी रहेगी तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स को इस तरीके से तैयार करिए कि पहले पेपर और दूसरे पेपर दोनों में बढ़िया से काम आ जाए। अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो दोनों में काम आ जाए। उसी प्रकार से बच्चे जीएस जो पढ़ रहे हैं दोनों में काम आ जाए। तो इस तरीके से प्रॉपर तैयारी रखना आप लोग। ठीक है, तो अब देखो ये कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर है, 300 नंबर का पेपर रहेगा। अब इसमें 20 गुना लोगों को बुलाएगा पहले पेपर में जो भी यहां पे कैंडिडेट्स होंगे उसका 20 गुना, जितने भी लिस्ट थी टोटल वो 20 गुना रहेगा। मतलब यहां पे मान लो 400 है तो 400 का 20 गुना कर लीजिए, तो 400 × 20 करेंगे तो 8000 कैंडिडेट्स लोग क्वालिफाई करेंगे किसके लिए, मेंस के लिए, पेपर 2 के लिए। अब पेपर 2 के लिए जैसे बुला लिया, अब देखिए पेपर 2 में क्या होगा कि इसमें अलग अलग पेपर है। जैसे एक लैंग्वेज का पेपर होगा बच्चे, यहां पे ध्यान से देखना किसका पेपर है, लैंग्वेज का पहला पेपर, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगा जैसे पहले होता था। 75 नंबर का बच्चे क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा और हिंदी रहेगा 125 नंबर का। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चे सेकंड पेपर अगर आप देंगे तो उसमें जीएस रहेगा, 200 अंकों का रहेगा और इसमें 3 घंटा टाइम दिया है। देखो इसमें लैंग्वेज में 2 घंटा दिया है और जीएस में कितना दिया है, 3 घंटा। तो जीएस में इतना प्रॉब्लम नहीं है, 3 घंटा आप आराम से कवर कर सकते हैं, लेकिन स्पीड आपको चाहिए होगा। साथ में बच्चे यहां पे बात करें हिंदी और इंग्लिश का, तो हिंदी इंग्लिश में तो आपको यहां पे 2 ही घंटा दिया है, याद रखिएगा। तो लैंग्वेज में भी कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश वगैरह आपको बहुत बेहतर तरीके से मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, पिछली बार भी मैंने पढ़ाया था, जो बच्चे पढ़े हैं वो उनका फीडबैक भी आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से उनका इंग्लिश अच्छा खासा कवर हो गया था और एग्जाम में आप फुल स्कोर करेंगे इसमें। ठीक है, इंग्लिश के लिए बिल्कुल टेंशन ना लेना, हिंदी के लिए हमारे एक सर आएंगे, वो भी बहुत शानदार पढ़ाएंगे आपको हिंदी, और साथ में जो जीएस वाला पोर्शन है इसका भी अलग अलग टीचर कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, अब उसमें एक और पेपर होता है बच्चे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है एसआई वालों को, होगा पिछली बार हुआ था, बट आपको अच्छे से करेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर होगा, जैसे ये 2 पेपर तो हो गया, तीसरा एप्टीट्यूड टेस्ट का 200 अंकों का पेपर होगा। ठीक है, और ये भी 2 घंटे का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 क्वेश्चन में 2 घंटे आपको, समझ रहे हो, 100 क्वेश्चन करने 2 घंटे में। और ये आदत बच्चों की नहीं रही है क्योंकि व्यापम में वो 3-3 घंटे का पेपर देता रहा, तो जो एसएससी की प्रिपरेशन करता है, रेलवे की करता है, उसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं क्योंकि 2 घंटे में वो पहले भी दिया हुआ है पेपर, जैसे पहले एसएससी वगैरह का होता था। तो 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और बढ़िया तरीके से आपको जिस तरीके से पढ़ाते हैं ना, उस तरीके से अगर आप ध्यान दे दिए, आप वीडियोस देखिएगा यूट्यूब में पड़े हुए हैं कि जो आपको कम समय में कैसे क्वेश्चंस को करना है विद कंसेप्चुअल अप्रोच, तब आपको दिक्कत कभी नहीं आएगा। तो मैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं, प्रॉपर अगर क्लासेस करते हैं या फिर आप ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें 200 अंक जो है ना उसमें आप आराम से बच्चे 170 180 190 तक भी पूरा उड़ा सकते हो। वैसे तो 200 में 200 भी लाया जा सकता है, मैथ्स कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो अब ये तो हो गया बच्चे इसकी बातचीत। उसके बाद चौथा होता है साइंस का पेपर रहेगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री, ये ऑप्शनल रहता है, सभी बच्चे नहीं, जिनको देना होगा वही देंगे, क्योंकि अंगुल चिन्ह वाले जो होते हैं ना, जैसे फिंगरप्रिंट वाले जो सब इंस्पेक्टर वगैरह की पोस्ट होती है उनके लिए होता है। फिर ये विज्ञान का, कंप्यूटर साइंस का बच्चे, ये भी जो बच्चे उनके लिए फॉर्म फिल करेंगे जो चाहते हैं कि जैसे उसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस की जरूरत होती है, तो उनके लिए रहता है, ये ऑप्शनल रहता है, ये सभी बच्चे चाहे तो दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग रहता है। उसमें बीए आपका कंप्यूटर साइंस, मतलब उसमें आपका कंप्यूटर साइंस से बीएससी होना चाहिए, सारी चीजें रिक्वायरमेंट रहता है, या बीटेक किए हो जिसमें कंप्यूटर वगैरह, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो गए, कंप्यूटर साइंस वाले हो गए, उनके लिए एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जब एग्जाम क्रैक हो जाता है तो पहले प्रीलिम्स आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रीलिम्स में भी क्या क्या चीजें आएंगी वो सिलेबस भी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद सेकंड पेपर के बाद फिर आपका क्या होगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में क्या क्या है, लंबी कूद है, ठीक है, ऊंची कूद है, और इसमें भी मार्क्स है बच्चे, तो मार्क्स है तो इसको बहुत अच्छे से देना है। तो मेंस के बाद इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर रहना, लेकिन इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दो, करते रहो। हमारे साथ एकेडमी जुड़ा हुआ है, सूर्या फिजिकल एकेडमी, वहां पे हम आपको बढ़िया से फिजिकल की भी तैयारी करवा देंगे, आपको दिक्कत नहीं लेना है उसमें। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हो गई। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करते हैं इसमें क्या बोनस अंक वगैरह जो मिल रहा है इसको अच्छे से देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए बच्चे यहां पे जो पहला पेपर होगा, जो सबसे पहला टारगेट आपका रहेगा, वो कौन सा पेपर है, 300 नंबर का पहला पेपर, 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर है। अब देखो इसमें सामान्य ज्ञान आ रहा है, 35 प्रश्न है और कुल अंक कितना है, 105 है। तो इसमें आपको ये जो टारगेटेड जितना कंटेंट लिखा उतना एकदम तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, इन सबका रिकॉर्डेड वीडियो हमारे एप्लीकेशन में है, आप वहां जाके बहुत कम फीस पे, मिनिमम चार्ज पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, और यूट्यूब में सबका एमसीक्यू आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, कुल प्रश्न 25 है और 75
70 नंबर का, ठीक है। तो ये CGGS जिसको आप बोलते हैं। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी 5 क्वेश्चन है, 15 नंबर है। अभी अभी हॉस्टल वार्डन वगैरह का सब पेपर दिए हो, हॉस्टल वार्डन में कंप्यूटर अच्छे से तैयार किए हो तो आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, उतने में आपके फुल में फुल आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें बढ़िया से क्वेश्चन आए थे तो उतनी तैयारी होगी। सामान्य मानसिक योग्यता मतलब ये जिसको एप्टीट्यूड बोलते हैं, तो उसमें 10 क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग का, 30 नंबर का। रीजनिंग का है तर्क करना, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको दिक्कत इसमें भी नहीं आएगा। फिर मैथ्स का बच्चे 10 क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन रीजनिंग का, 10 क्वेश्चन मैथ्स का, 20। और ये जितना भी है ना इसका मैं पूरा जो भी क्लास में यूट्यूब में करा दूंगा प्रीवियस ईयर, उतना कर लेना, प्रीलिम्स में आपको दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन जो मैं बैच स्टार्ट करूंगा प्री प्लस मेंस दोनों का रहेगा, मैथ्स और रीजनिंग का, याद रखिएगा, और इंग्लिश का भी बच्चे, ठीक है। कंप्लीट रहेगा ये कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि प्रीलिम्स, हाँ हम जब टॉपिक चयन करेंगे तो जो यहां पे टॉपिक पहले लिखे उनको पहले कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे क्या जो मेंस के अलग से टॉपिक है, ठीक है। तो ये तो मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, रीजनिंग पढ़ाता हूं इसलिए मैं उसके बारे में बता रहा हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं इसलिए उसके बारे में बता रहा हूं, लेकिन इंडिविजुअल टीचर हर कोई प्री प्लस मेंस के हिसाब से अपनी चीजों को लेके चलेगा, ठीक है। ये टॉपिक है मैथ्स में क्या क्या चीजें आएगा, तो ये सारा टॉपिक आपको बहुत बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर्ड मैनर में मिलेगा आपको। हिंदी का है बच्चे 10 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर का। तो हम लोग तैयारी जो कराएंगे ना, ये अभी ही जब दिवाली के बाद क्लासेस में YouTube में लेते आऊंगा YouTube में सारी क्लासेस दिवाली के बाद आपकी चलने लगेंगी, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे देखिएगा मुख्य परीक्षा का भी बच्चे ये पूरा दिया हुआ है, हिंदी के 125 नंबर के रहेंगे, ये सारी चीजें आएंगी। मेंस में इंग्लिश जो रहेगा वो 75 नंबर का, सब ऑब्जेक्टिव पेपर होगा याद रखिएगा। और ये पूरी जानकारी दिया है किस तरीके से, इसमें 200 नंबर का जो आएगा आपका 2 घंटे का एप्टीट्यूड, उसमें क्या सिलेबस है। तो इस बार हमारे पास सबसे अच्छी बात यह है, जैसे पिछली बार हुआ था जो एसआई वाला, उसमें क्या था कि हमें नहीं पता था, नया पैटर्न था, पहली बार हो रहा था, तो इतना अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं पता था कि कैसा एग्जामिनर पूछेगा। अब प्रॉपर तैयारी हमें पता है कि कैसे कराना है बच्चों को, किस तरीके से उसका एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके, क्योंकि देखिए इस बार कट ऑफ भी थोड़ा जाएगा, मतलब 70% लगभग जाना चाहिए, 60-70% के बीच में कट ऑफ रहेगा, तो आपको तैयारी भी उसी लेवल का रखना, ठीक है ना, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से, क्योंकि सीट कम है ना बच्चे, तो उस हिसाब से पिछली बार तो ज्यादा थी, लेकिन अभी पिछली बार का रिजल्ट अभी नहीं आया है। लेकिन इस चीज के लिए अगर कोई बच्चा बोलता है यहां पे, कोई कई बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं सर पिछली बार का रिजल्ट नहीं आया, तो मैं बच्चे मैं इतना ही कहूंगा, हम भी आपके साथ हैं, बिल्कुल रिजल्ट जारी करना चाहिए, एक वो लड़ाई अलग है उसको लड़ते रहना है, वो बिल्कुल आएगा रिजल्ट आएगा, लेकिन साथ में बच्चे जो अभी आप तैयारी कर रहे हैं, अभी जो प्रिपरेशन इसके लिए करना है जो अभी आने वाला एग्जाम, तो एज ए टीचर मैं इतना कहूंगा कि आप एक फोकस्ड होके बढ़िया से प्रिपरेशन में जुड़ जाइए, और दिवाली के बाद हम आपके लिए बेहतर तरीके से क्लासेस वगैरह यूट्यूब में भी लाते रहेंगे। साथ में कुछ ऑनलाइन क्लासेस अगर आपको चाहिए होगा, जैसे मैथ्स रीजनिंग का, इंग्लिश का, या फिर किसी भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट का, मैं इतना कहूंगा सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर तैयारी करना, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना बढ़िया से पढ़ना, और जो भी आप एग्जाम यहां पे अभी आप देंगे उन सबका हम लोग एप्लीकेशन संकल्प स्टडी सर्कल करके ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको बढ़िया रिकॉर्डेड क्लास बहुत मिनिमम चार्ज पे, अभी तो दिवाली का रहेगा तो उसमें हम 50% ऑफ कर दे रहे हैं सीधा, उस पे आपको सारे कोर्सेज पे मिल जाएगा। अगर कोई डाउट होगा तो इस नंबर पे आप संपर्क कर लेना, एक नंबर मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं, अगर आपको कोई डाउट हो इससे संबंधित तो एक नंबर लिख लो, ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, इंग्लिश कैसे पढ़ना है, 8827457303 ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन साथ में यहाँ पे मैंने दे दिया है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, तो प्री और मिस दोनों के हिसाब से तैयारी करिएगा, वीडियोस कैसे देखने हैं, किस तरीके से करना है। साथ में एक और बात बताऊं, YouTube में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैथ्स के मैंने पूरे सॉल्व करवाए हैं, कुछ टॉपिक रह गए थे तो वो भी दिवाली के बाद 5 तारीख से मैं स्टार्ट कर दूंगा कराना। तो और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में करिएगा। मिलते हैं बच्चे सीधा अपनी क्लासेस में फिर, तो मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, जीएस के टीचर और हिंदी वाले टीचर जो अभी आएंगे और छत्तीसगढ़ जीएस वाले वो आपको उनका अपना बताएंगे। तो मिलते हैं बच्चे अगली क्लास में, तब तक लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।